नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। हम भी ईश्वर की कृपा से यहाँ पर सही हैं। सो आज आपको ये वीडियो का लोकेशन थोड़ा अलग दिख रहा होगा। आज मैं हूँ अपने घर के थर्ड फ्लोर पर। ये एक लाउंज एरिया है। जल्दी हम अपने घर का शूट करने वाले हैं होम टूर, तो उसमें आपको पता चलेगा ये कौन सा एरिया है। इस एरिया में यूजुअली हबी बैठ के अपना वीक ऑन करते हैं, बट आज हबी है नहीं, वो ऑफिस गए, तो आई थॉट कि चलो मैं इस एरिया को यूज़ करती हूँ। तो आज का वीडियो आपको जैसे टाइटल से पता ही चल चुका होगा, आज का वीडियो मैं कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली देने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं आज का वीडियो सिर्फ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी मेल्स आ रही हैं क्वेश्चंस के लिए, पूछने के लिए कि क्या चीज़ कैसी है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस कि आप हमसे आपके क्वेश्चन पूछ रहे हो, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ। अगर हम कभी एक दो दिन लेट हो जाते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब था हमारे पास, उनको हम ऑलरेडी ईमेल पे रिप्लाई कर चुके हैं, बट वी थॉट दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो, आपके लिए भी बहुत काम आएगा, तो हमने सोचा चलो इस पर एक वीडियो ही बना देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इज लेगो सेफ फॉर इंडियंस? येस, लेगोस इज सेफ फॉर इंडियन, बट येस मैं ये नहीं कहूँगी कि लेगोस आपका ये US, अमेरिका और नीदरलैंड है, बट हाँ सेफ है। यहाँ पे जैसे एक और उसी में क्वेश्चन था कि यहाँ पे किडनैपिंग, रॉबिंग गन पॉइंट पे होती, हाँ होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जैसे लेगोस, अबूजा, इबादान, यहाँ इतना ये कॉमन नहीं है, और डेफिनेटली आपको कॉशियस तो रहना ही पड़ेगा। क्रिसमस के टाइम पे थोड़ा ये ज़्यादा ही हो जाता है, तो उस टाइम पे लोग यूजुअली क्या करते हैं, ज़्यादा इधर घूमते नहीं है। एंड रेस्ट, आप जैसे इंडिया में रहते हो यार, दैट पे ओनली यू हैव टू बी जस्ट कॉशियस। सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली लिखे हुए हैं डायरी में, जितने ये मेल के जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमन लगे तो हमने नोट डाउन कर लिया था कल रात में। तो सेकेंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमारी वीडियो देखें जो हमने पहले बनाया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर ग्रॉसरी के लिए मैंने बनाया हुआ है, एक हमने बनाया है कॉस्ट ऑफ लिविंग वेजिटेबल्स का, और एक कॉस्ट ऑफ लिविंग यूटिलिटीज़ का। अब इसमें मैं आपको एक एडवाइस ये बताना देना चाहूँगी एग्जैक्टली किसी ग्रॉसरी और आपका वेजिटेबल्स के प्राइस तो थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है। कोई चीज़ अगर सस्ती होगी तो कोई चीज़ डेफिनेटली महंगी होगी। जैसे अब महंगे होने के सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है, राइस और मिल्क, ये डेफिनेटली महंगे होने हैं। और अब यूटिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट चार्जेस में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला, अगर चेंज होगा भी तो ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं होना है। थर्ड क्वेश्चन इज, कैन आई कम अलॉन्ग विथ माई फैमिली? क्या मैं अपनी फैमिली के साथ आ सकता हूँ? डेफिनेटली यू कैन कम विथ योर फैमिली, एंड इट्स वेरी गुड अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है फैमिली स्टेटस का, तो प्लीज़ अपनी फैमिली को ज़रूर लाइए। सी देयर आर मेनी रीजंस, जब आप यहाँ आओगे तो आपको खुद ही लगेगा अच्छा है कि मेरे साथ फैमिली है, एक इमोशनल सपोर्ट हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि जब आप अपना वीज़ा प्रोसेस कराओगे तो उसी साथ साथ आप अपनी फैमिली का वीज़ा प्रोसेस करा लोगे, तो आपको यहाँ आके एक नया प्रोसेस नहीं शुरू करना है कि मुझे अब फैमिली को बुलाना है, तो उस झंझट से आप बच जाओगे। और फैमिली तो जब भी साथ में रहती है तो इमोशनल सपोर्ट तो हमेशा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी लीव द फैमिली अलोन वाइल गोइंग टू ऑफिस? क्या हम फैमिली को छोड़ सकते हैं घर पे जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं नाइजीरिया में? येस, यू कैन लीव योर फैमिली, आप छोड़ सकते हो अपनी फैमिली घर पर। मैं भी तो रह ही रही हूँ ना, अभी आजकल शुरू हुआ है वर्क फ्रॉम होम, उसके पहले तो मैं भी रह रही थी घर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सी कंपनीज यूजुअली एक्सपैट्स को सेफ लोकेशंस ही देती हैं, सेफ कंपाउंड्स देती हैं, और इतनी भी ख़राब सिक्योरिटी नहीं रखती हैं वहाँ पर, तो आप अपनी फैमिली को बेफिक्र होके घर पे छोड़ के जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन और है, वो है कि सैलरी के अलावा आपको और क्या क्या अपना मतलब डिमांड करना चाहिए एम्प्लॉयर से? सी हर एम्प्लॉयर का अलग क्राइटेरिया होता है, उनका एम्प्लॉयमेंट का वो क्या देते हैं वो अलग चीज़ है, बट बेसिकली अगर मैं जनरली बोलूँ तो यूजुअली यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सैलरी के अलावा मिलती है मेट की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी, जो अगर कंपनी डायरेक्ट नहीं दे रही है तो वो आपको देगी कि आप दो। और बच्चों की स्कूल की फ़ीस यूजुअली इंडियंस को इंडियन स्कूल की ही फ़ीस मिलती है,
और क्या, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ये सब आपको कंपनी देती है, एकोमोडेशन भी आपको कंपनी देगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आपको कंपनी देगी। एंड प्लीज़ आस्कते हैं मेडिकल इंश्योरेंस जब आपको मिल रहा होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हैं और क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं है, सो दैट यू विल बी नोइंग कि अच्छा मेरा मेडिकल इंश्योरेंस में ये चीज़ें आती हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि क्या यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ हैं? येस, दे आर प्लेंटी ऑफ इंडियन कम्युनिटीज़, यहाँ बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, गुजराती और सिंधी, पंजाबी। इनफैक्ट जब अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो इधर अब तो कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, बट पिछले साल भी था गरबा पार्टी और ये वो। मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे कहीं से कोई वीडियो मिल गया जो मैंने पिछली बार बनाया था, तो अगर मैं डाल दूंगी कि यहाँ पे कैसे गरबा नाइट और ऐसे ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज़ करती हैं। तो येस, इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ इंडिया, मुझे तो ये सेकेंड इंडिया ही लगता है। और यहाँ पर टेम्पल्स भी हैं, टेम्पल्स इकोई, लेकी, वीआई और इलुपिजो, जो मेन लैंड है वहाँ पर टेम्पल्स भी हैं, और यहाँ पंडित भी हैं। डोंट वरी कि पंडित जी आपको नहीं मिलेंगे, पंडित भी मिलेंगे आपको। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ मच सैलरी यू शुड एक्सेप्ट? हमारे पास ये बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि उन्हें से कितनी सैलरी एक्सेप्ट करनी चाहिए। सी, मैं आपको कोई नंबर नहीं बता सकती हूँ कि आप कितनी सैलरी एक्सेप्ट करना चाहते हो। आपकी ये सब सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या सैलरी ऑफर कर रहा है आपकी अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी। बट हाँ, सैलरी डिसाइड करते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए, पहला कि लेट्स से अगर आप मैरिड हो और आप अपनी फैमिली इंडिया में ही छोड़कर आ रहे हो, तो आप ये सोचो कि एक वाइफ का ये एक जो इमोशनल ट्रॉमा, जो मुझे, मैं एज अ वाइफ बोल रही हूँ कि हो जाता है, मैं ऑल दो कभी नहीं रही हूँ, हमेशा अभी जहाँ पे भी रहे हैं जिस भी कंट्री में, हमेशा उन्हें फैमिली स्टेटस मिला है, बट स्टिल मुझे कई बार होता है कि 2-3 महीने के लिए मुझे रुकना पड़ता है वीज़ा के चक्कर से, तो उस टाइम पे ट्रस्ट में जो इमोशनल ट्रॉमा होता है उसमें वाइफ एक्चुअली कहाँ कहाँ जाके झेलेगी। तो हो जाता है, जो खर्च आपका महीने में 10,000 का हो रहा था वो हो जाता है, वो 15,000 होना ही है आपका मंथली खर्च, तो आप इतना मान के चलो। दूसरा ये कि बच्चों का लेट से स्कूल अगर दूर है और आप उन्हें ड्रॉप कर रहे थे, अब आप नहीं हो, आप जा रहे हो लेगोस जॉब करने के लिए, तो या तो फिर बच्चे का स्कूल चेंज करना होगा या तो ट्रांसपोर्टेशन लगाना होगा, तो उसकी भी चीज़ें ऐड ऑन करोगे आप। थर्डली, जब इंडिया में आपको सैलरी मिलती है तो वहाँ पे पीएफ कट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सेविंग्स आपकी हो रही है ना कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे जब आपको लेगोस में सैलरी मिलेगी तो ऐसा कुछ नहीं कटता है कि पीएफ कट रहा है, अच्छा ये हो रहा है, तो क्योंकि वो इंडिया में तो आपका एक गवर्नमेंट रूल है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप जो सेविंग भेज रहे हो उसी में से आपको अब दूसरी सेविंग भी करनी है अपनी, तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर का, कि उन्होंने कमेंट सेक्शन में बोला है कि उन्हें 300 डॉलर्स, यूजुअली मेरी आदत हो गई यही बोलने की, यहाँ पर 300 डॉलर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो अगर मैं लोकल करेंसी में आज के हिसाब से हिसाब लगाऊं तो समवेयर 1,40,000 नायरा से 1,50,000 नायरा तक आएगा। तो सी, अगर आप बैचलर स्टेटस पे आ रहे हो और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है कि आपका शेयर्ड अकोमोडेशन होगा और जो आप ग्रॉसरी लोगे अपने खाने पीने के लिए वो भी शेयर्ड होगी, शेयर्ड इन द सेंस जब शेयर्ड अकोमोडेशन होता है ना, तो 2-3 बैचलर्स साथ में रहते हैं, तो वहाँ का जो किचन होता है उसमें सारे बैचलर्स मिल के राशन लाते हैं, तो वो भी मतलब डिसाइडेड होता है, कंपनी को पता है कि वो किचन ऐसे ही चलता है, तो अगर आपका ये सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं, शेयर में हैं, तो यू कैन ट्राई, बट येस आप बहुत लाविशली नहीं रह सकते हो फिर यहाँ पर, हाँ थोड़ी सी तंगिश रहेगी, बट यू कैन ट्राई इट। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने सवालों का जवाब उस एंड तक समझा दिया हुआ आपको, मैंने बहुत कोशिश की है। सो बस, अगर आपके और भी सवाल हैं प्लीज़ कमेंट अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच इफ यू आर वॉचिंग मी न्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।